वेलकम टू तिवारी क्लासेस सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेस में जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम 2024 हजार चौबीस के तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाए आज बहुत अच्छा बुआ सेशन होने वाला है पूरे कंप्लीट पूरे कंप्लीट जो हमारे खास करके जो हमारे आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज है पूरा कंप्लीट आपका एक ही वीडियो में करा देंगे सोचिए वो एक महामाराथन टाइप का क्लास रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जितने के जितने सारे बच्चे हैं वो एक बार लाइव हो जाइएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें एक बार बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है फास्ट फास्ट ऑडियो वीडियो क्लियर बता दीजिएगा सारे बच्चे चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे आ चुके हैं चलिए आज संपूर्ण आप जितने भी हुआ क्लास किए हैं किए हैं सारे बच्चे जितने भी क्लास किए हैं सबका बहुत सारे क्वेश्चन आज लेके आए हैं तो इसका आंसर आप जितना फास्ट दीजिएगा उतना फास्ट हम चलेंगे आपके साथ चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आएगा चार या पाँच नंबर के पूछे जाते हैं जो हमारे एम्स बी नर्सिंग आपका जो बी नर्सिंग है तो आप किसी भी स्टेट से हों बिल्कुल चलिए आ गए हैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है कारण नहीं बनती है देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो आपका प्लाज्मोडियम होते हैं जो हमारे प्लाज्मोडियम होते आपके चार प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे एक कौन होता है कहिएगा सर प्लाज्मोडियम पाइपर फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओके okay. फिर देखिएगा यहाँ पर मोडियम क्या हो जाएगा आपका फलसी पेरम ठीक है उसके बाद हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम आपका क्या हो जाएगा मलेरिया ठीक है तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम ओके खास करके आपको चार टाइप से देखने के लिए मिलेगा इस सबका अलग अलग प्रकार है अलग अलग टाइप है आपका ठीक है याद रखिएगा प्लाज्मोडियम का तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे सारे बच्चे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है प्लाज्मोडियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति मलेरिया का कारण नहीं बनाता है तो इसका एक पाइपर जो हो जाएगा ना यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्लाज्मोडियम जो करके है ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो जितने भी बच्चे दिए हैं ए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा उसके बाद देखिएगा सारे जो क्या है सारे के सारे प्लाज्मोडियम के प्रकार हैं क्या हो जाएंगे प्लाज्मोडियम बुआ जितने भी प्रकार के होते हैं सारे के सारे अलग अलग प्रकार के हमारे प्लाज्मोडियम है याद रखिएगा सबसे अगर बात किया जाए प्लाज्मोडियम में सबसे विषैला ठीक है सबसे विषैला और जो हमारे बुआ मलेरिया का कारण बनता है तो कहिएगा सर यहां पे हो जाएगा क्या हो जाएगा कहिएगा सर पे जो सी है ये सबसे डेंजर होता है प्लाज्मोडियम में तो याद रखिएगा जो सी नंबर हो जाएगा ये सबसे खतरनाक और डेंजर होता है प्लाज्मोडियम में ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के होते हैं मलेरिया में इसका, आ, इसका कोई कारण नहीं बन सकता है कहिएगा सर ए नंबर सबसे खतरनाक कौन होता है कहिएगा सी नंबर बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल चलिए आगे देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है यहां पे आउट ऑफ फाइव स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम ओके यहाँ पर देखिएगा कह रहा है प्लाज्मोडियम के जो हमारे कितने हो जाएंगे कहिएगा सर जो हमारे चार प्रजाति हो जाएंगे इनमें से कौन सा सबसे अधिक विषैला है क्वेश्चन इसको छाप दीजिए सबसे अधिक विषैला कौन सा हो जाएगा तो मैंने अभी बताया बुआ जो आपके यहां पे बी नंबर पे हो जाएगा क्या हो जाएगा फलसी पैरम हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारे प्लाज्मोडियम में सबसे विषैला सबसे खतरनाक होता है ठीक है सबसे पहले याद रखिएगा सारे क्या है प्लाज्मोडियम के टाइप है ये सारे के सारे क्या है प्लाज्मोडियम के प्रकार हैं और इसमें सबसे नॉर्मल बता दिया मैंने और सबसे खतरनाक जो है ये आपका बी नंबर होता है क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा सारे बच्चे बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग हुआ आज दो है सत्तर अस्सी क्वेश्चन होंगे पूरे कंप्लीट चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बताना है आपका जो हमारे देखिए वेयर डू द सेक्सुअल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम डेवलप इन इट्स लाइफ साइकिल ठीक है तो कहिएगा सर इसका आंसर बता दीजिए कहाँ होता है बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताएंगे यानी देखिए यहाँ पे वेयर डू द सेक्सुअल स्टेज जो हमारे सेक्सुअल स्टेज होते हैं प्लाज्मोडियम में जो डेवलप होते हैं बताना है उसका लाइफ साइकिल तो क्या होता है जो भी बच्चे इसका आंसर देंगे रेड ब्लड करके जो हो जाएगा ना यहाँ पे रेड ब्लड वाला जो है इसका एकदम क्या आंसर हो जाएगा कहिएगा सर सी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सारे बच्चे कंप्लीट करें बिल्कुल सी सी हाँ सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मोडियम किस रूप में मानव शरीर में प्रवेश करता है ठीक है ना प्लाज्मोडियम जो होता है जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें किस कहिएगा सर वहां पे किस रूप में प्रवेश करता है बताइए तो देखिए एक हम बात बताते हैं जो प्लाज्मोडियम जो है अभी मैंने बताया प्ला, प्लाज्मोडियम भी वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फिर क्या होता है अभी मैंने बताया बुआ ठीक है जितने भी इसका प्रकार हम बच्चे हमारे डी आंसर दे रहे हैं ठीक है इस माध्यम से आपका क्या हो जाएगा कहिएगा सर मानव शरीर में हमारे जो प्लाज्मोडियम है एकदम क्या करते हैं बिल्कुल प्रवेश करते हैं चलिए उसके बाद बताइएगा प्लाज्मोडियम का यौन अवस्था कहाँ पूर्ण होता है मान लीजिए प्लाज्मोडियम है उसका यौन अवस्था ओके इसका क्या हो जाएगा कहिएगा सर वेयर डज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट्स कंप्लीटेड देखिए तो यहाँ पे बताना है प्लाज्मोडियम का यौन अवस्था कहाँ पूर्ण होती है कौन बताएगा इसका आंसर एकदम क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉस्किटो जो यहाँ पे दिया हुआ है गट्स करके यहाँ पे ठीक है ना यानी मच्छर की आंत में क्या हो जाएगा मच्छर की आंत में प्लाज्मोडियम का यौन अवस्था पूर्ण होती है बिल्कुल आप तो याद रखिएगा जितने भी हमारे मस्ट इंपॉर्टेंट थे सबसे प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कितने टाइप के हैं सबसे बिसला कौन सा है सबसे उसमें से नॉर्मल कौन सा है चारों कितने प्रकार के हैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट थे आप लोग के लिए लाए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है क्लोरीन किस बीमारी का इलाज के लिए दी जाती है तो याद होना चाहिए सभी बच्चों को जो आपका मलेरिया है ना मलेरिया जो मलेरिया डिजीज है इसके इलाज के लिए ठीक है क्या दिया जाता है कहिएगा सर आपका ए नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर रूपाली प्रजापति है उसके बाद ज्योति पिंकी पीटी अपरिजिदा दुबे इंसोनेंट आलोक पंडा अलका शिवानी देवेंदर सरोज लड्डू गरिमा पीटी सारे बच्चे का तो याद रखिए क्लोरीन किस बीमारी में दी जाती है कहिएगा सर मलेरिया जो होता है ना मलेरिया उसमें जो है उसके इलाज के लिए क्लोरीन दी जाती है ओके चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे जो हमारा फलेरिया होता है ठीक है उसको बताना है आपका ठीक है ना जो हमारा फलेरिया होता है उसको इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कारण क्या है तो कहिएगा सर ये जो बीमारी जो होता है हाथियों से फैलता है क्या बात सही है कहिएगा सर दांत अधिक बढ़ने से बढ़ जाता है कहिएगा सर पैर के अत्यधिक बढ़ने से बढ़ जाता है और रोगी हाथ जैसे दिखने में लगता है तो इसका आंसर सारे बच्चे दीजिएगा देखिए फलेरिया में जो आपके जो आपका जो बीमारी हो गया डिजीज हो गया उसको जाना जाता है क्या तो जो हमारे पैर होते हैं ना उसको अत्यधिक बढ़ जाने से नाम सुने होंगे हाथी पाओ नाम सुने हैं ना हाथी पाओ बिल्कुल क्या हो जाएगा हाथी पाओ बिल्कुल सभी बच्चों को याद होना चाहिए तो पैरों के अत्यधिक बढ़ने के कारण जो है फलेरिया में आपका ये देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल आप थ्योरी पढ़े होंगे एप्लीकेशन में सभी बच्चों को पता होना चाहिए आगे देखिए कौन सा कौन सा ये जो रोग है डिजीज है बच्चों में सबसे आम हो जाएगा बताइए तो कौन सा हो जाएगा तो अगर हम बात करेंगे सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा यहाँ पे डिजीज इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन बताना है आपका तो कहिएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल रेड ब्लड हाँ चलिए उसके बाद आगे आइए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आज बहुआ जो बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज की संपूर्ण जितने भी आपके एम सी क्यू हैं सारे के सारे एम सी क्यू उठा के लाए हैं टोटल कंप्लीट आज कर देंगे इसको चलिए उसके बाद बताइए फलेरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी के संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाहक जिम्मेदार है तो याद रखिएगा किसके बारे में पूछ रहा है फलेरिया फलेरिया तो कहिए कौन सा वाहक जिम्मेदार है तो कहिएगा सर इसमें क्या हो जाएगा कहिए यहाँ बताइए ये जो हमारे मच्छर हो जाएंगे या एडीज मच्छर हो जाएंगे फिर आपका ग हो जाएगा या आपका घ हो जाएगा इसका आंसर सारे बच्चे दीजिए ठीक है फलेरिया उत्पन्न करने वाले जो परजीवी होते हैं उसका स्ट्रक्चर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मार है क्या आंसर दे रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर याद रखिए क्या हो जाएगा कहिएगा सर क्यूलेक्स क्यूलेक्स जो आपका मच्छर होता है ना बिल्कुल ये हमारे किसके लिए जिम्मेवार है फलेरिया उत्पन्न करने के लिए क्यूलेक्स जो होता है बिल्कुल जिम्मेवार हो जाएगा एकदम एकदम राइट सभी बच्चे का आंसर कंप्लीट आ रहे हैं चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घातक गैर संक्रमण रोग है ठीक है ना तो यहां याद रखिएगा क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है ठीक है यहां पर देखिए क्या आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बुआ बताइए एक होता है ठीक है इन आ, जो हमारा संक संक्रमण होता है एक होता है गैर संक्रमण नॉन इन्फेक्सियस एक होता है आपका इन्फेक्शियस यानी संक्रमण क्या हो जाएगा बुआ संक्र जो हमारे आ, संक्रामक हो जाएगा ना बिल्कुल आ, एक क्या हो जाएगा गैर संक्रामक हो जाएगा तो मैंने बताया है दो टाइप में होते हैं क्या नॉन आपका इन्फेक्शियस और एक एक होता है बुआ इन्फेक्सियस तो इसमें मात्र एक आपका कैंसर ऐसा है ठीक है क्या हो जाएगा आपका गैर संक्रमक हो जाएगा कारण क्या है मान लीजिए अगर कॉमन कोल्ड हो गया समझ गया ना आपका कॉमन कोल्ड हो गया चाहे जो भी हमारे जो बीमारी है ठीक है जैसे इन्फेक्शन वाला संक्रमण वाला बीमारी है जैसे में क्या होता है आपके जो ड्रॉपलेट होता है जैसे आप मान लीजिए कॉमन कोल्ड है ड्रॉपलेट से किसी अदर आदमी को क्या हुआ संक्रमित हो गया ओके तो ये क्या है ये इन्फेक्शन वाला डिजीज है लेकिन एक चीज याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पूछा गया है गैर संक्रमण ठीक है ये क्या होता है कहिएगा सर यहाँ पे संक्रमण नहीं पूछा गया है संक्रमण अगर पूछा जाता तो क्या हो जाएगा बहुत सारे हो जाएंगे बीमारी जैसे में आपका कॉमन कोल्ड सब हो जाएगा लेकिन यहां पर पूछा गया गैर संक्रमण माने जो है एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है कहिएगा सर यहाँ पे जो कैंसर है ठीक है ये क्या होगा कभी हार्ट अटैक हुआ एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेगा देखिए तो हार्ट अटैक जो होता है कभी भी एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा कैंसर होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा गैर संक्रमण ठीक है नॉन इन्फेक्शियस तो कहिएगा सर इसका आंसर एकदम क्या हो जाएगा कहिएगा सर इसका आंसर सी हो जाएगा अगर पूछ देगा बुआ ठीक है ना देखिए यहाँ पे एड्स भी है बहुत सारे हैं डायबिटीज है बहुत सारे हैं तो इसका

करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे का क्या हो जाएगा बुआ तो सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है अब सारे बच्चे दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो जो भी बच्चे दे रहे हैं अच्छा एक बात बताइए सारे बच्चे बुआ इसमें देखिएगा ध्यान से माइको बिल्कुल रिलेटेड है वायरस बिल्कुल रिलेटेड है फंगी बिल्कुल रिलेटेड है रेडिएशन आप देखें रेडिएशन कभी सुने कभी लाइफ में कहिएगा सर नहीं नहीं सुने हैं तो इसका क्या हो पूछा गया है जैविक एजेंट यानी बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है नॉट पूछा गया है तो इसमें कहिएगा सर, right सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कहिएगा सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आइए यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है संक्रमण रोग कैसे फैलता है तब जो हमारे ड्रॉपलेट होते हैं ठीक है इन्फेक्शन वाला उससे या कहिएगा सर जो वे विरासत में मिलते हैं बताइए जो हमारे बुआ संक्रमण जो डिजीज है इन्फेक्शन डिजीज का इन्फेक्शन का मतलब हो गया संक्रमण डिजीज का मतलब हो गया रोग यानी जो हमारे संक्रमण बुआ रोग है क्या वो मेरे विरासत में मिलेगा बोलिए कोई बुआ जमीन जथा तो है नहीं धन दौलत की आपको विरासत में मिलेगा मरीज को देखकर आप मान लीजिए किसी मरीज को देख लीजिए तो आपको संक्रमण हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा ठीक है विरासत में भी नहीं मिलता है ठीक है अस्वस्थ आहार खाने से बिल्कुल इससे भी नहीं होगा तो जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा छोटी बूंद से संक्रमण ए इज द करेक्ट आंसर जैसे मैंने अभी मैंने बताया है जो आपका ड्रॉपलेट होते हैं यानी कहने का मतलब जैसे कमन कोल्ड हो गया किसी व्यक्ति को तो छींकेगा ना तो उसमें छोटा सा जो बूंद आता है आपके ठीक है छींकने पर तो क्या हो जाएगा बताइए छिंकने पर जो भी आपके बूंद आते हैं छोटा सा अगर वो किसी पेन कॉपी कलम कंप्यूटर पे पड़ जाता है और जो जो हमारे नॉन इन्फेक्शियन जो व्यक्ति हो जाएंगे माने गैर संक्रमण वाले वो उसको क्या करेंगे बुआ टच करेंगे और क्या हो जाएगा किसी ना किसी माध्यम से उनको फैल जाएगा तो याद रखिएगा किसके कारण हो रहा है छोटी बूंद ठीक है ना बिल्कुल जैसे आप कोरोना में देखे थे बुआ क्या होता था सांस के माध्यम से ठीक है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता था तो जो भी बच्चे इसका आंसर कर दिए हैं यानी ए इज द राइट आंसर चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन बताइए चिकित्सा का, right बता का जनक किसे कहा जाता है कहिएगा सर हेपोक्रेटस ठीक है किसो कहा जाता है चिकित्सा का जनक किसो कहा जाता है हिपोक्रेटस नाम याद रखिएगा चलिए सभी बच्चों को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेल्थ इज नॉट डिफाइन बाई तो मैंने बता रखा है क्या हो जाएगा बुआ करेक्ट आंसर जो भी बच्चे इसका आंसर डी देंगे तो डी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में रक्त परिसंचलन का खोज किसने किया था चलिए थ्योरी में पढ़ाया गया सारे बच्चे एक बार कमेंट देंगे इसका मानव ठीक है मानव क्या हो जाएगा आपका परिसंचरण का खोज किसने किया था इसका आंसर सारे बच्चे दीजिए फास्ट मानव हाँ, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर चलिए बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाँ बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दीजिए इसका आंसर सारे बच्चे ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए सारे बच्चे मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था तो कहिएगा सर कौन किया था बताइए तो कहिएगा सर विलियम हार्वे ने ठीक है विलियम हार्वे ने जो हमारे क्या किया था ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था यानी रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था विलियम हार्वे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है एनसीआर से है याद रखिएगा उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है तो किसको बताना है बुआ जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है बिल्कुल आपका क्या इन्फेक्शन है बिल्कुल जो आपके लाइफ स्टाइल है ये भी सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर ठीक है ये हमारे हेल्थ को नॉट इफेक्ट क्या करता है प्रभावित नहीं करता है बिल्कुल उम्मीद रखेंगे विलियम हार्वे इज द राइट आंसर चलिए इतना फास्ट करा रहे हैं वो सारे बच्चे याद रखिएगा चलिए आगे आइए कौन सा रोगजनक निमोनिया रोग का कारण बनता है बताइए कौन ऐसा हमारे पैथोजेन है जो निमोनिया का क्या बनेगा आपका कहिएगा सर इसका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे विच पैथोजेन कॉज निमोनिया डिजीज देखिए पैथोजेन का मतलब होता है रोग कारक रोग वाहरक मान लीजिए अगर आपको बुआ फीवर है ठीक है वो किसी ना किसी पैथोजेन के कारण यानी पैथोजेन यानी किसी भी किसी रोगवाह के कारण ही आपको हुआ होगा उसी को पैथोजेन कहा जाता है कौश का मतलब कारण निमोनिया आपको पता है डिजीज का नाम है और डिजीज का मतलब रोग हो गया तो कौन सा रोग जनक निमोनिया का रोग कारण बनता है बताइए तो जो भी बच्चे हमारे आंसर क्या दे रहे हैं कहिएगा सर आपको याद रखना होगा इसमें क्या होते हैं दो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा क्या हो जाएगा हीमोफिलस एन क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा ठीक है याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिएगा जो हमारा क्या है सालमोना टाइफी तो क्या होता है सालमोना टाइफी तो कहिएगा सर ये जो हमारे आ, साल्मोनेला टाइफी जो होता है क्या होता है कहिएगा सर टाइफाइड टाइफाइड का पैथोजन है किसका है टाइफाइड का पैथोजन है याद रखिएगा तो दोनों जो है एक क्या हो गया कहिएगा सर एक नंबर निमोनिया का दो नंबर टाइफाइड का चलिए उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे हैं बिल्कुल एकदम जो है इसको आप करेक्ट किए होंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुआ निमोनिया है तो उसे उसको बचाना है तो कौन सा टीका दिया जाएगा बताइए सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा क्या उसको साल का वैक्सीन दिया जाएगा बीसीजी वैक्सीन निमोनिया जो होता है बुआ वो वाला या टैब वैक्सीन इसका आंसर बताइए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बुआ करेक्ट है चलिए इसका आंसर दीजिए सारे बटे फास्ट इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सेम नेम है क्या हो जाएगा कहिएगा सर सेम नेम है जो आपका यहां पे देख रहे हैं बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर कहिएगा सी इज द करेक्ट आंसर देखिए इन फोर क्या है निमोनिया और इसका क्या हो जाएगा जो वैक्सीन है इसका भी क्या हो जाएगा एन से ही नाम है तो आप याद रखिएगा दोनों का जो बीमारी डिजीज है उसका भी एन से नाम है और जो वैक्सीन है उसका भी क्या है एन से ही नाम है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्थीरिया आमतौर पर किस वर्ग के आयु को प्रभावित करती है डिप्थेरिया तो अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिप्थीरिया जो आपका जो बुआ डिजीज है एक कॉमनली देखिएगा किस आयु वर्ग को इफेक्ट करता है तो जो मैंने बता रखा है सारे बच्चों को पांच साल से जो भी बउवा क्या होंगे नीचे होंगे उनको क्या करता है इफेक्ट करता है प्रभावित करता है सारे के सारे बच्चे आप याद रखिएगा एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद आगे देखिए काली खांसी इज द कॉमन नेम ऑफ विच डिजीज काली खांसी किस बीमारी के समान नाम है कहिएगा सेम इसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा बी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर आगे देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है अगर टेटनस काली खांसी और डिप्थेरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों में दिए जाने वाले क्या हो जाएगा दिए जाने वाले जो हमारे बुआ संयुक्त टीका जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा कहिएगा सर डीपीटी बी टैब और एच आई बी टीका बिल्कुल 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 सभी बच्चे का बुआ एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं ठीक है अभी तक लगभग हम पच्चीस तीस क्वेश्चन कर चुके हैं चलिए इसका आंसर दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा कौन सा होता है डी वैक्सीन यानी कहिएगा सर देखिए डी कहिएगा सर पी फिर कहिएगा टी यानी यहाँ पे देखिएगा सही से सारे के सारे बच्चे डी फोर ठीक है याद रखिएगा टी फोर बताइए क्या हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी जो होता है वैक्सीन अगर किसी को टेटनस है काली खांसी है डिप्थेरिया है इसे आपके कहिएगा सर सुरक्षा के लिए जो भी हमारे चिल्ड्रेन है बच्चे हैं उनको दिए जाते हैं याद रखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर ए इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर ए इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे टाइफाइड रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन कॉरेक्ट रिगार्डिंग टाइफाइड डिजीज कहिएगा सर माइकोवैक्ट्रियम uh, ठीक है ए उसके बाद कहिएगा लेफ्री कॉज टाइफाइडी तो मैंने बताया भी हुआ जो ये आपका ये जो फर्स्ट वाला जो गत, आपका ऑप्शन है यही आपका गलत दिया है उसमें देखिए जो टाइफाइड जो हमारे रोग होते हैं इसके कथन में वास्तव में गलत है क्योंकि इसके कारण जो है हमारे टाइफाइड नहीं होता है टाइफाइड होता है साल मोनेला टाइफी के कारण ठीक है बाकी जो है आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी दूषित पानी और भोजन पीने से आपको संक्रमण होगा 100 परसेंट सही है लक्षण में तेज बुखार कमजोरी कब्ज कम सारे होंगे ये भी बिल्कुल सही है गंभीर मामले में क्या हो जाएगा आपका आ, बिल्कुल क्या हो जाएगा सारे के सारे बच्चे याद रखिएगा कहिएगा सर आंत में छेद हो जाता है ठीक है उसके बाद देखिएगा उनचालीस डिग्री से लेके चालीस डिग्री ठीक है आपके क्या हो जाएंगे फीवर हो जाएंगे ठीक है ना तो इसका जो भी आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं सारे बच्चे बिल्कुल आप लोग जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ क्या कहेगा ठीक है ना इसमें क्या होता है साल मोनेला टाइफी ए इज द राइट आंसर गजब का आंसर भी दिए सारे बच्चे चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए टाइफाइड बुखार के पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है बुआ डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा याद रखिएगा बिडाल टेस्ट क्या हो जाएगा सभी बच्चों को पता है क्या हो जाएगा बुआ कहिएगा सर बिडाल टेस्ट इज द राइट आंसर ओके okay, अगर पूछ दे अगर टाइफाइड हुआ जो बुखार है उसमें आपका कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या कहिएगा उनचालीस डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा कहिएगा सर चारीस डिग्री सेल्सियस ठीक है और क्या हो जाएगा इसका पैथोजेन कहिएगा सर आपका हो जाएगा साल टाइफी उसके बाद आगे जो आपका टेस्ट के लिए कौन सा बिडाल टेस्ट ओके यही क्वेश्चन है बिल्कुल इसको बहुत बार रिपीट कर दिए हैं ताकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उप नाम टैफाइडी मैरी था मैंने बताया था मैरी मिलोन क्या हो जाएगा सभी बच्चों को याद होगा मैरी मिलोन इज द राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चे आप लोग सारे के सारे एकदम टाइप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लगे हुए हैं एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा करेक्ट हो जाएगा पूरे हमेशा इज द राइट आंसर आप कहते हैं सर फास्ट कराइए तो बो आज सत्तर अस्सी क्वेश्चन लाए हैं पूरे कंप्लीट ठीक है ना इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं पूरे रिवीजन चलिए अगर कहिएगा क्वेश्चन क्या, क्या कह रहा है कि आंत में छेद होने Uh, किस रोग के कारण है तो सभी बच्चों को पता है किसमें हो जाता है देखिए मैंने बताया है टाइफाइड से लक्षण याद रखिए सबसे पहले जो हमारे साल मोनेला टाइफी है इसका क्या हो जाएगा पैथोजन हो जाएगा उसके आगे देखिएगा विडाल टेस्ट हो जाएगा ठीक है विडाल टेस्ट हो जाएगा उसे टेस्ट किया जाता है 40 डिग्री से सॉरी उनचालीस डिग्री से 40 डिग्री के तापमान रहेगा ओके और जो हमारे मैरी मिलोन थी क्या मैरी मिलोन बिल्कुल उनको क्या हुआ टाइफाइडी मैरी के नाम से जानते हैं ओके और जो हमारे आंत होता है उसमें क्या हो जाता है छेद हो जाएगा क्या होगा कहिएगा सर आंतों में छेद ओके सारे क्या हो जाएंगे कहिए कैसा सारे क्या है टाइफाइड के पॉइंट है वन टू थ्री फोर फाइव आपका टाइफाइड पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो जो भी बच्चे इसका आंसर दिए हैं ग यानी सी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए कुष्ठ रोग का खोज किसने किया था कुष्ठ जो आपका डिजीज है उसका खोज किसने किया था इसका आंसर बताइए बताइए कौन किया था रॉबर्ट कोच कौन किया था सारे बच्चे इसका आंसर देंगे टाइफाइडी टाइफाइडी बिल्कुल सी लो करेक्ट आंसर हाँ बिल्कुल इंटेस्टाइन होल चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं जो हमारे यहाँ पे कुष्ट रोग है ठीक है इसका जो खोज किसने किया था कहिएगा सर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कभी भी हुआ इसके बाद आप जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं भूलना है समझ गए ना कभी नहीं चलिए यहाँ पे आ जाइए अगर मान लीजिए कुष्ठ रोग के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सा दवा दी जाती है मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो उसके कॉमन रूप पे देखिएगा तो कौन सा डिजीज सॉरी किस कौन सा मेडिसिन दीजिएगा जो आपके क्या हो जाएगा बिल्कुल इज द राइट आंसर बताइए क्या दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति के कुष्ठ रोग है उसका इलाज करने के लिए कॉमन रूप पे कौन सा मेडिसिन दिया जाएगा तो आंख बंद करके मार दीजिएगा क्या डीडीएस क्या कहिएगा कुछ रोग डीडीएस ओके तो बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सारे बच्चे बी बिल्कुल 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 बी हाँ डीडीएस इज द राइट आंसर बिल्कुल बुआ सारे बच्चे जो है एकदम लगातार आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेटनस का पहला लक्षण तो हमेशा याद रख लीजिए टेटनस जब भी दिमाग में आ जाएगा कहिएगा सर गर्दन जो होता है ना गर्दन में अकड़न होता है गर्दन आपका नीचे नहीं झुकेगा समझे जैसे आपको कट फट जाता है तो सारे बच्चे को क्या बोला जाता है जाइए जल्दी 24 घंटा के अंदर आप लोग है टेटनस का बुआ सुई ले लीजिए बोला जाता है ना कहीं आपके आ, कहीं कट गया जंग लगा हुआ लोहा वोहा से चलिए तो यहाँ पर देखिएगा सारे बच्चे टेटनस का पहला लक्षण बताना है तो गर्दन में क्या होगा अकड़न देख रहे हैं यहां में, गर्दन में सूजन भी दिया हुआ है तो इसको मत मार दीजिएगा पक्षघात अंगुलिया में सुन कुछ नहीं गर्दन में यानी कहिएगा सर ए इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर इज द राइट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके बहुत बढ़िया आगे आइए कह रहा एटीएस इंजेक्शन का पूर्ण रूप बताइए क्या हो जाएगा फास्ट एटीएस व्हाट इज द फुलटीएस इंजेक्शन एटीएस इंजेक्शन बिल्कुल बुआ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना वीडियो को लाइक कीजिए लाइक कीजिए ईमानदारी से सारे बच्चे ईमानदारी से लाइक कीजिए बुआ इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है यूट्यूब पे है ना चलिए सभी बच्चे लाइक कीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ जो आपका एंटी टेटनस सीरम एटीएस टी एस का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ए उठा लीजिए कहिएगा सर ए उठा लिए यहाँ से टी को बुआ उठा लीजिए यहाँ पर टी रख दिए यहाँ से एस को उठा लीजिए तो एस हो गया तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ पे है यहाँ पे ए टी यहाँ पे सेम ए है तो क्या हो जाएगा एन ठीक है ना ये वाला टेटनस सीरम जो हो जाएगा यानी कहिएगा सर आंख बंद करके सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठीक है माइको बैक्टीरियम बैक्टीरिया का प्रजाति के कारण होता है तो बताइए कौन अभी मैंने बताया है अभी बता बताया हुआ अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था टाइफाइड का क्वेश्चन ठीक है ना उसमें के वन स्टेटमेंट रॉन्ग था तो उसमें से यही क्वेश्चन दिया गया था दिया गया था याद कीजिए अभी चार पांच क्वेश्चन पीछे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो डिजीज है उसको ये जो आपका बैक्टीरिया है उस जो एस्पेसिज यानी प्रजाति के कारण होता है टाइफाइड और टेटनस इसका आप लोग आंसर दीजिएगा सभी बच्चे का आंसर देखेंगे कहिएगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा तपेदिक और कुश रोग फिर कहिएगा सी नंबर इन्फ्लुएंजा बताइए इस सारे बच्चे आप लोग दीजिएगा इसका आंसर सारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा कुष्ठ रोग और तपेदिक क्या हो जाएगा एक बार बताइए कुष्ठ रोग और तपेदिक होता है ये जो हमारे बैक्टीरिया होता है ना बैक्टीरिया बिल्कुल तो याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके इससे होने वाले बुआ रोग हो जाएगा तब बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है याद रखिएगा मैंने बताया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन सा है कहिएगा सब प्लेग होगा बताइए कौन कौन सा हो जाएगा बताइए उसके बाद क्या कहिएगा टेटनस हो जाएगा उसके बाद बताइए डिप्थीरिया हो जाएगा काली खांसी हो जाएगा कुष्ठ रोग हो जाएगा ठीक है बहुत सारे हैं सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का रहा है कौन सा वायरस चेचक रोग का कारण बनता है चेचक याद रखिए चेचक रोग ठीक स्मॉल पॉक्स देखिए यहां पे तो कहिएगा सर ये क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर छापिए कमेंट में सारे बच्चे चेचक रोग का कारण कौन सा हो जाएगा चेचक रोग बिल्कुल चेचक रोग का कारण बताइए सारे बच्चे चेचक रोग चेचक रोग चेचक रोग का क्या हो जाएगा सारे बच्चे आंसर दीजिए चेचक रोग बिल्कुल क्या हो जाएगा कौन आंसर दिया सबसे पहले रूपाली प्रजापति बिल्कुल करेक्ट आंसर बबीता यादव बहुत बढ़िया उसके बाद आगे देखिए सारे बच्चे रूबी पटेल उसके बाद जो हो जाएंगे अंशु गोंड बिल्कुल बिल्कुल विशाल पटेल जो बच्चे दिए है ना पहले कौन इसका आंसर दिया है कहिएगा सर इसका सबसे पहले आंसर दी थी कौन बबीता और रूपाली प्रजापति बिल्कुल हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ ए इज द करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा ये जो हमारे चेचक वायर क्या होते हैं बुआ जो आपका स्मॉल पॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है डिजीज जिसको आप चेचक कहते हैं उसका क्या हो जाएगा कहिएगा कही इसी के कारण होता है इसी वायरस वायरस के कारण होता है याद रखिएगा बैक्टीरिया फंगी कोव को मत बोलिएगा आ जाइए यहाँ पे बताइए अभी जो है जो चेचक जिस वायरस के कारण से होता है उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है ठीक है और बताइएगा क्या यह जेनेटिक जो हमारे क्या होते हैं मटेरियल के रूप में होता है कहिएगा एकल फंसल हुआ आर डबल स्टैंड आर सिंगल स्टैंड आर डबल स्टैंड डी इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे देखिए अगर हम बात करें अगर इस जो हमारे वायरस हैं इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है यानी अनुवांशिक सामग्री के रूप में क्या होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा क्या हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कहिएगा सर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ कहिएगा सर डी इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर छाप दो फटाफट क्या हो जाएगा एक कल इसका आंसर छापो सब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर देखो चलो क्या हो जाएगा इसका आंसर सारे बच्चे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताओ सब सारे बच्चे चलिए क्या आंसर दिया सारे बच्चे चलिए ए और डी में लगे हुए हैं सारे बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा ए होगा या डी होगा एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया ये यहाँ पर देखिए इम्यूनोलॉजी का जनक किसके रूप में कहा जाता है तो कमेंट में छाप लीजिए सारे बच्चे ठीक है बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है कहिएगा सर फादर ऑफ जुलजी किसको कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है छाप दो उसके बाद कहिएगा सर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बताइए क्या हो जाएगा कहिएगा सर फादर इज क्या हो जाएगा आपका एम्नोलॉजी या जो हमारे क्या हो जाएगा एम्नोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है बताइए एडवर्ड जेनर या कहिएगा सर ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर कमेंट में छापिए सारे बच्चे हाँ कमेंट में छापिए सारे बच्चे वो आप लोग शेयर नहीं करते हैं जितने सारे बच्चे आएंगे ठीक है ना उतने बढ़िया बहू आप लोग के लिए क्लास चलेगी ठीक है बिल्कुल तो सारे के सारे बच्चे एक बार शेयर कर दिया कीजिए 200 400 बच्चे बोआ शेयर कीजिए 500 सौ ग्रुप व्रुप में शेयर कीजिए टेलीग्राम में सब में ठीक है और जल्द ही आप लोग के लिए थ्यूरी आ रहा है दो तारीख से यूट्यूब पे ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आ रहा है सिर्फ इंग्लिश में नहीं और सिर्फ हिंदी में नहीं दोनों माध्यम में थ्यूरी आ रहा है बायोलॉजी पूरे चलिए तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा जो क्या आंसर दे रहा है बी बिल्कुल क्या हो जाएगा बी एकदम चलिए किसी बच्चों को दिक्कत कहिएगा सर नहीं एडवर्ड जनर आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखिए विश्व में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था आंख बंद करके मार दीजिए उन्नीस सौ अस्सी ईस्वी में हुआ था कब हुआ था उन्नीस सौ अस्सी ईस्वी में विश्व में चेचक का अनुमूलन हुआ था चलिए एमएमआर वैक्सीन का पूर्ण नाम बताइए क्या हो जाएगा एम एम आर वैक्सीन का पूर्ण नेम बताना है क्या हो जाएगा बताइए सारे बच्चे एक बार शेयर कीजिए सारे बच्चे लाइक कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को सारे बच्चे चलिए एकदम ईमानदारी से लाइक किया कीजिए अब यहाँ पे बता दीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है एम वैक्सीन ठीक है ना फुल फॉर्म बताना है जो भी बच्चे यहाँ पे क्या दे रहे हैं बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर कहिएगा सर इसका आंसर जो हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताइए कहिएगा सर सी इज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो आपका रूबेला वाला है ना क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर यही जो हो जाएगा एम एम आर एन का क्या हो जाएगा कहिएगा सर एम एम आर एन का क्या हो जाएगा वैक्सीन हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए यहाँ पे आइए रेबीज का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो जाएगा क्या होता है कुत्ता के काटने से बताइए क्या हो जाएगा बताइए बुआ सारे के सारे बच्चे ठीक है हाइड्रोफेविया नाम सुने हैं ठीक है क्या होता है कुत्ता के काटने से जो आपके रोग होते हैं कुत्ता बिल्ली बंदर जो होता है जानवर काटने से तो क्या हो जाएगा कहिएगा सर वो आदमी क्या करेगा कुत्ता काट लेगा बुआ तो पहाड़ पे चढ़ के कूद जाएगा जल्दी बताओ कि बुआ वो पानी में कूद जाएगा सीधे समुद्र में या बिल्ली के देख के भागने लगेगा या आग के देख के डरेगा बताओ बिल्कुल तो क्या हो जाएगा तो इसका जो भी बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं इसका इसका आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे इसका आंसर इसका आंसर सारे बच्चे देंगे ठीक है क्या हो जाएगा बिल्कुल जब भी रेविज के बारे में बात आ जाएगा रेविज सीधे एग्जाम में छापेगा याद रखिएगा क्या कहिएगा उसको हाइड्रोफेविया सुने है ना पानी से डर लगता है क्या करेगा बुआ वो पानी के देख के तो भागेगा ठीक है जिन जिनको बुआ जो कुत्ता उत्ता करता है ना बिल्ली बंदर वो सब उनके बीमारी होते रेविज करके ठीक है और क्या करेगा पानी से डर लगेगा आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अगर मान लीजिए कोई मनुष्य में रेबीज से संक्रमित हो जाए तो उसका मृत्यु कितना बढ़ जाती है तो ये देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि यदि मनुष्य में रेबीज हो जाती है रेबीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उससे मृत्यु दर तो एग्जाम में याद रखिएगा दे देगा तैंतीस परसेंट कहिएगा सर नॉन ऑफ दीज लास्ट में देता है फिर देगा पचास परसेंट फिर देगा नब्बे परसेंट तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा वही आपका आंसर होगा तो यहाँ पर मार दीजिएगा नब्बे परसेंट इज द राइट आंसर ठीक है नब्बे परसेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका मृत्यु दर जो है बढ़ जाएगी ठीक है उसका इलाज नहीं करवाइएगा था ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए मांसपेशिया के पक्षघात के दौरान ठीक है पोलियो वायरस किस मार्ग को प्रभावित कर देता है इसका आंसर आप दीजिएगा ठीक है इसका आंसर सभी बच्चे देंगे सभी बच्चे इसका आंसर देंगे बिल्कुल आज आप कंप्लीट हो जाएगा आपका ह्यूमन एंड डिजीज ठीक है कुछ और क्वेश्चन है कर लीजिए फास्ट बिल्कुल नब्बे परसेंट इसका आंसर दीजिए इसका आंसर सारे बच्चे देंगे क्या हो जाएगा बिल्कुल तो इसमें क्या हो जाएगा मोटर पाथवे इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है ये हमारे मोटर पाथवे को क्या करता है आपका इफेक्ट कर देता है मांसमेशिया में जो हमारे क्या हो जाएंगे कहिएगा जो परलाइसिस जो होता है ना परलाइसिस नाम सुने होंगे ठंडी के दिन में काफ़ी बुआ जो है बुढ़ बुजुर्ग लोग हैं उनको मारता है याद रखिएगा ठीक है तो इसीलिए जो भी है उनको सुरक्षा करके रखिएगा तो पोलियो वायरस किस मार्ग को करता है मोटर पाथवे इज द राइट आंसर ठीक है आठ पंद्रह से क्लास चलती है यूट्यूब पे बिल्कुल चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन कर रहा है क्या क्वेश्चन कर भारत में पोलियो का उन्मूलन कब हुआ था मार दीजिए जनवरी फरवरी मार्च अगस्त क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताइए ठीक है ये जो हमारे क्वेश्चन है भारत में इंडिया में पोलियो का उन्मूलन कब हुआ था तेरह जनवरी उन्नीस सौ ग्यारह पच्चीस अप्रैल दो हजार तेरह सत्ताईस मार्च दो हज़ार चौबीस सात अगस्त दो हज़ार दस तो जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर सभी बच्चे हम जानते हैं गलत करेंगे ठीक है क्या हो जाएगा बताओ फास्ट वो हम कितना फास्ट चल रहे हैं बताओ तो कहिएगा सर सताईस मार्च 2014 को सताईस मार्च 2014 को देखिए अब इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं अगर आपके एग्जाम में ऐसे सन पूछे जाते हैं ठीक है अगर आपके एग्जाम में ऐसे सन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले देखना है ऑप्शन में सबसे कम कौन है तो कहिएगा सर ग्यारह यहाँ पर देखिए दस है ग्यारह है फिर क्या है तेरह है फिर चौदह है ये आपके ऑप्शन है रहे हैं ना सन सन को हम देख रहे हैं सन को अगर एग्जाम में ऐसा सन वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए तो सबसे कम क्या है दस है सबसे ज्यादा क्या है चौदह है तो दोनों को छाट लीजिए क्या हो जाएगा दो हजार दस और कहिएगा सर दो हजार चौदह अब आपका आंसर होगा तो इसी में से होगा ठीक है आपका दो हजार तेरह और दो हजार चौदह आंसर नहीं होगा तो अब आपको एकदम कंफर्म लगेगा कि कौन हो सकता है तो आपको मार देना है दो हजार चौदह देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है दो हजार चौदह तो इसका आंसर सी ही करेक्ट हो जाएगा होगा बताओ ट्रिक याद रखना बहुत वो एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं ठीक है अभी भी परसेंटेज वाला बताएं वो भी ट्रिक याद रखना तो 2014 है ना सबसे ज़्यादा तो या सब या तो सबसे कम होगा ना तो सबसे ज़्यादा होगा बीच वाला ऑप्शन नहीं रहता है ठीक है ऐसे एग्जामिनर सेट करता है चलिए एग्जामिनर के मन के बात बता दी आपको याद रखिएगा आगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस स्वाइन फ्लू के कारण बनता है बताइए मजा आया कि नहीं आया सारे बच्चे बताएंगे देखिए अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू क्या होता है कहिएगा सर एच वन एन वन वायरस है क्या हो जाएगा एच वन एन वन वायरस ठीक है आंख बंद करके मार दीजिए सी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा एच वन और एन वन ठीक है ना क्या हो जाएगा बताइए सारे बच्चे एच वन और एन वन बिल्कुल क्या हो जाएगा एच वन एन वन वायरस जो है स्वाइन फ्लू के कारण बनता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन देखिए वह रोग जो यौन अंगों में संक्रमण फैलाने के कारण बाजपन के कारण बन जाता है क्या हो जाएगा बताइए स्वाइन फ्लू चिकन पॉक्स खसरा कंठमाला बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर सभी बच्चे आप देंगे चलिए बिल्कुल हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एच वन स्वाइन फ्लू बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे ठीक है ना एकदम बच्चे एकदम लगे हुए हैं बिल्कुल भी हुआ याद रखिएगा ये जितना हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं चार नंबर आपके बी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पक्का ठीक है इसको कवर कर लीजिए सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बच्चे बुक पढ़े होंगे उनको पता होगा उठा के देख लीजिएगा चलिए यहां पर बताइए वह रोग का यौन अंग संक्रमण फैलाने के कारण बाचपन करता है तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर गलत दे रहे हैं सारे बच्चे चलिए शालिनी पटेल बिल्कुल करेक्ट दी है फतिमा अली और, और कौन बताया बाकी सबका गलत ठीक है क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर बताइए बताइए क्वेश्चन में जान है बताएंगे सारे बच्चे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर वह रोग वह डिजीज जो यौन अंग होते हैं क्या कहिएगा कहिएगा सर आपका सेक्स ऑर्गन होते हैं संक्रमण फैलाता है क्या करता है कहिएगा स्प्रेडिंग जो हमारे क्या हो जाएंगे इन्फेक्शन ठीक है उसका बताना है कॉज कारण बताना है कहिएगा सर कहिएगा कही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेपेटाइटिस बी संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है मान लीजिए कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन से ग्रसित है तो उसको रोकने के लिए क्या दिया जाएगा बी सी जी सबिन साल्क और उसके बाद कहिएगा डी नंबर बताइए इसका आंसर दीजिए हेपेटाइटिस बी ठीक है ना तो इसके आंसर में देखिएगा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे लगाइएगा अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा क्या पूछा है हेपेटाइटिस बी ठीक है और इसके आंसर में भी क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा सारे बच्चे हेपेटाइटिस बी है यहाँ पे और इसके आंसर में भी देखिएगा बी ही होगा बी ठीक है बी बी कहिएगा सर घ इज द राइट आंसर यानी वो डी इज़ द राइट आंसर ठीक है क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताइए कहिएगा सर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी बता रहे हैं अरे डी हो जाएगा डी कोई ये बता रहा है बताओ बताइए बच्चे आप लोग बुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरे इलेवेन्थ ट्वेल्थ में सबसे हल्का चैप्टर है सबसे आसान है ठीक है डी हो जाएगा ना अच्छा रेनु आदो करिए सर हंड्रेड परसेंट आपका क्या हो जाएगा सी चलिए इसका आंसर बताइए एक बार सारे बच्चे बताइए क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस बी संक्रमण रोकने के लिए इसका आंसर दीजिए गलत मत दीजिए सारे बच्चे अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस बी है तो उसको बुआ रोकने के लिए कौन सा दिया जाएगा हेपेटाइटिस बी इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दो सारे बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएगा वही तो कह रहे हैं बुआ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सभी बच्चे का बुआ आंसर जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा हाँ डी ही होगा आप जाके चेक कर लो भाई किताब में चलो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है ना मैंने बताया है ना हेपेटाइटिस बी और यहाँ ध्यान से देखो हेपटाइटिस बी और यहां भी क्या है कहिएगा सर एच बी मार दो बंद के करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाओ आगे देखो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये आपके जो है किसके कारण बताना है आपका किसके कारण जो है बताना है बनता है पेचिस बी नंबर चेचक और कंठमाला इसका आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे बताइए किसके कारण बनता है क्या हो जाएगा बताइए बिल्कुल क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है फिर वही दिया हुआ है पाया जाता है कहां पाया जाएगा तो सभी को पता है किसमें पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है किसमें पाया जाता है बड़ी आंत में कहा पाया जाता है कहिएगा सर ये बड़ी आंत में पाया जाता है ठीक है छोटी आंत मत मार दीजिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे अमियाबिस जो उत्पन्न करने वाले रोगजनक निम्नलिखित में से किसके माध्यम को फैलाते हैं स्पर्श से कीट के काटने से शिष्ट से दूषित पानी पीने से और छोटी बूंद के संक्रमण से तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर ये जो हमारे बउआ उत्पन्न होते हैं ठीक है जो हमारे क्या है पैथोजेन जब भी आपका रोगजनक आ जाए तो कहिएगा सर पैथोजेन होता है ठीक है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलेगा इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे किसके माध्यम से फैलता है तो याद रखिएगा मैंने जैसे बताया था टाइफाइड में क्या होता है वो हुआ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी दूषित जो हमारे पानी और जो खाना होता है उससे जैसा टाइफाइड फैलता है तो जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं जो भी बच्चे इसका आंसर देंगे सी इज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कहिएगा सर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी फूड और वाटर कंटामिनेटेड बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर तो जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ या पेसिस्ट ओके तो कहिएगा सर एकदम क्या हो जाएगा इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अरे फास्ट आंसर दो फास्ट ठीक है आज कंप्लीट कर लेंगे चलो आगे देखो बहुत सारे बच्चे फिर दे रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फिर वही दिया हुआ आपका बुआ अमीबा करके ए जो संचारित करने के लिए यांत्रिक वाहक के रूप में कार्य करती है सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए क्या हमारे मक्खी होती है जो घरेलू मक्खी होती है उसके बाद कहिएगा बर्ड्स पक्षी होती है तीतली होती है या आपका बी नंबर होता है बिल्कुल क्या हो जाएगा हाँ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर दूषित जो क्या हो जाएगा कहिएगा सर खाना और पानी और दूषित पानी पीने से ही आपके क्या टाइफाइड भी होते हैं बिल्कुल याद रखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर ए इज द राइट आंसर सबसे पहले ये कौन आंसर दिया जल्दी बताओ सब इसका मेडिको स्टूडेंट नेहा चौरसिया अंजलि मनीषा कुमारी पिंकी कृष्णा लाडो नेहा दुसाद रौनक प्रिया पिंकी रिया तनु बिल्कुल बहुत बढ़िया मां का लाडली चलिए बहुत अच्छे नाम है बुआ किरण सिंह पटेल आस्था अंजलि मीनाक्षी प्रियंका फतिमा अली किरण सिंह पटेल तिवारी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा ये जो घर के मक्खी होती है ना क्या घर के मक्खी एकदम घरेलू मक्खी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आ जाइए आ जाइए बस कंप्लीट कंप्लीट क्या बात है चलिए व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे ला दें तो लगभग आज हम लोग बउआ लगभग कितने क्वेश्चन किए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 70 प्लस क्वेश्चन किए हैं कितना किए हैं 70 प्लस क्वेश्चन ठीक है बहुत बढ़िया अच्छी बात है कितना देर लग गया मात्र 49 मिनट क्या बात है चलिए मात्र 50 मिनट में हुआ हम लोग जो आज क्वेश्चन कर लिए पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दिए समझ गए चलिए होगा जो कुछ होगा इसमें से और कुछ देख लेंगे अभी नहीं फिर बाद में देखेंगे चलिए कोई दिक्कत बिल्कुल जिन बच्चों को जिन बच्चों को जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में जुड़िए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा ऐसे भी हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा तिवारी क्लासेज वन ठीक है सर्च कीजिएगा आ जाएगा या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अप्लीकेशन का लिंक है जो बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं ऐप में तैयारी करने चाहते हैं बीएससी नर्सिंग 2024 के चाहे बिहार हो झारखंड हो राजस्थान हो उत्तर प्रदेश हो ओके कहिएगा सर हमारे चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो किसी भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश माध्यम में दोनों में मिल जाएंगे सिर्फ इंग्लिश में नहीं बुआ ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश में एग्जाम है तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं रहता इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं बिल्कुल तो जो भी बच्चे हैं वो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाए अभी हम अपलोड करवा देते हैं उसके बाद कहिएगा सर जिन बच्चों को चौहत्तर आठ सौ दस साठ दो सौ बयासी ठीक है हेल्पलाइन नंबर है नीचे भी चल रहा है वीडियो के नीचे ब्लू कलर में तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं बुआ ले सकते हैं इस तिवारी क्लासेज प्ले स्टोर पे ऐप है वहां से भी आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं 2024 के लिए ठीक है और सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग के लिए आ रहा है बायोलॉजी का हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए कि सिर्फ हिंदी में चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश में चाहिए सारे बच्चे का वोट होना चाहिए वीडियो के नीचे ठीक है थ्यूरी आ रहा है आप लोग के लिए ठीक है ना बायोलॉजी का पूरा पीपीटी पे तो सारे बच्चे एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा और टाइमिंग यही रहेगा ठीक है दो जनवरी ठीक है दो जनवरी से और सुबह आपको मिल जाएगा लगभग छह बजे के आसपास जो आपका एक चैनल है वहां पर मिलेगा आपका करेंट अफेयर्स ठीक है आप जाके वीडियो में चेक कर लीजिएगा वहां पर भी दिया गया है आपका लिंक करेंट अफेयर्स जी के स्ट्रेट जी के आपको मिल जाएगा चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं आप लोग के लिए पहला ही एडवांस में है, वो हैप्पी न्यू ईयर्स बोल दे रहे हैं चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने के रहने के लिए